लिबरल इकोनॉमी के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी ने मनमोहन सिंह की तारीफ की थी उनके 1991 की नीति की। 2008 में जब देश आर्थिक मंदी की संकट से जूझ रहा था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी और पी चिदंबरम की नीतियां ही थी जिसने देश को गर्त में जाने से बचाया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम मनमोहन सिंह की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा हो रही है कि कांग्रेस को अपना अगला मनमोहन सिंह मिल गया है। कौन है ये? देश के सबसे फेमस फाइनेंशियल फिगर में से एक और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, जिनकी कई भविष्यवाणी सच साबित हुई है। लेकिन आखिर लोग रघुराम राजन में मनमोहन सिंह को क्यों देख रहे हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन इस समय सुर्खियों में है। राजन ने 14 दिसंबर को राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। वे राहुल गांधी के साथ कदम ताल कर रहे थे। राहुल गांधी ने उनका इंटरव्यू भी लिया और देश के आर्थिक हालातों पर भी बात की, सुझाव लिए, जिसमें राजन ने कहा कि अगले साल एक भारी मंदी देखने को मिलेगी जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने चपेट में लेगा। रघुराम राजन यूपीए सरकार के दौर में साल 2013 में आरबीआई गवर्नर बने थे और साल 2016 तक वो गवर्नर के पद पर बने रहे। इसके पहले वो वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को अक्सर वर्ल्ड इकोनॉमी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। उन्होंने अमेरिका में आर्थिक मंदी आने की भविष्यवाणी तब कर दी थी जब कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उनका कहा शायद ही गलत निकलता है। रघुराम राजन बाजार से कहीं आगे रहते हैं। पहली बार रघुराम राजन तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने 2005 में अमेरिका में मंदी आने की भविष्यवाणी कर दी थी।